नरेंद्र सिंह के मकान के बाहर आज दिन दहाड़े फायरिंग का मामला सामने आया है। पुलिस आरोपियों की तलाश के लिए आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। मकान मालिक नरेंद्र सिंह ने थाने में इस बाबत रिपोर्ट दर्ज कराई है कि कुछ लोग पिछले कुछ समय से उससे नाजायज तरीके से पैसे मांग रहे थे। उन्होंने धमकी भी दी थी। नरेंद्र सिंह ने आशंका जताई है कि उन्होंने ही आज फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया है। मोटरसाइकिल पर सवार होकर मेरे घर पर आए और इस तरह की फायरिंग की घटना बता रहे हैं, जबकि मौके पे अभी इस तरह के कोई अलामत नहीं मिले हैं। सभी पक्षों को देखते हुए अनुसंधान जारी है। जयपुर का झोटवाड़ा थाना इलाका, जहां का सीता विहार, दिन दहाड़े यहां पर फायरिंग की घटना सामने आई। ये मकान जिसके बाहर फायरिंग की गई, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। वीपी सिंह का ये मकान है, उनके पुत्र हैं नरेंद्र सिंह, जिनको लगातार पिछले कुछ समय से धमकियां भी मिल रही थी और उसके बाद में यहाँ पर उनको डराने धमकाने के लिए यहाँ पर फायरिंग की गई। नरेंद्र सिंह का ये बताना था कि उनसे पैसे मांगे जा रहे थे काफ़ी लंबे समय से, कहा जा सकता है चौथ वसूली की ये पूरी घटना हो सकती है, जिसके चलते यहाँ पर फायरिंग की गई। नरेंद्र सिंह अब झोटवाड़ा थाने पर पहुँचे हैं, वहाँ पर इस पूरे मामले को लेकर मुकदमा दर्ज करा रहे हैं, जिसके अंदर साफ तौर पर लिखा जा रहा है कि उनसे रुपये मांगे गए, नहीं दिए गए, तो उन्हें डराने धमकाने के लिए यहाँ पर फायरिंग की गई है। झोटवाड़ा थाना पुलिस अब इस पूरे मामले में जाँच कर रही है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ पुरोहित, जी मीडिया, जयपुर।